फेडरल बैंक, यहां पर आप देखिए कि नतीजे फिलहाल आते हुए नजर आ रहे हैं। 2% की तेजी आपको देखने को मिल रही है स्टॉक में। फिलहाल स्टैंडलोन जो ब्याज आय का आंकड़ा है यहां पर अगर आप देखें तो साल दर साल आपको बढ़त देखने को मिली है। जो ब्याज आय है यहां पर बढ़िया बढ़त देखने को मिली है और 625 करोड़ जो है मुनाफे का अनुमान था उसके मुकाबले 704 करोड़ का मुनाफा, यानी ब्याज आय में बढ़त है। और जो मुनाफे का आंकड़ा रिपोर्ट किया गया है वो अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिला है। 1480 करोड़ से बढ़कर जो है यहां पर आपको ब्याज आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली है। करीब करीब 1700 करोड़ का अनुमान था, 1762 करोड़ की जो है नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिला। तो यहां पर भी जो आंकड़ा है वो अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। लेकिन बैंकों में सबसे अहम होती है असेट क्वालिटी और नेट एनपीएस और जीएनपीएस के फ्रंट पर कैसे नतीजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर जल्दी फ्लैश होते नजर आएंगे। तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो नेट एनपीएस असेट क्वालिटी सुधरी है 2.69% से 2.44%। तिमाही दर तिमाही यहां पर ग्रॉस एनपीए आपको देखने को मिले। नेट एनपीएस का भी आंकड़ा जो है बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश होगा। स्टॉक में भी जो है आपको 2% की तेजी देखी जा रही है। लेकिन एक बार बाजार का भी चेक ले लेते हैं। फिलहाल निफ्टी में देखें तो 300 से ज्यादा अंकों की तेजी है, 330 अंकों की तेजी यहां पर नजर आएगी।